दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन बाबरी मस्जिद हुकूमत अदलिया इंतज़ामिया की निगरानी में शहीद कर दिया था। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई बाबरी मस्जिद की शहादत है। मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म और मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी बाबरी मस्जिद की ज़मीन को राम मंदिर के हवाले कर देना है। इस बड़ी नाइंसाफी जुल्म और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने गम गुस्से का इजहार करने, बाबरी मस्जिद के खातिलों और मुजरिमों के हक़ में बददुआएं करने, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से 30 साल के दौरान हम मुसलमानों से जो गफलत लापरवाही कोताही सरजद हो रही है, इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी तलब करने और इस बात के ऐलान के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि बाबरी मस्जिद से हम किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। बाबरी मस्जिद की बाज़ियाबी की जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक के बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हम ये जज्बा अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करते रहेंगे। हम उन्हें बाबरी मस्जिद की तामीर नो और उसकी बाज़ियाबी के लिए तैयार करते रहेंगे। यही हमारा ऐलान है इस मौके पर। मैं खुसूसन मुसलमान अपना यह मौक़िफ़ आप तमाम के सामने, पूरे मुल्क के सामने वाज़े तौर पर दोहरा देना चाहती हूँ कि मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। यहाँ हम किसी तौर किसी मस्जिद से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तागुती अदालतों का चाहे जो फैसला भी हमारे सामने आया है, लेकिन हम बाबरी मस्जिद की 1 इंच ज़मीन से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। बाबरी मस्जिद पर हमारा दावा जूं का तूं बरकरार रहेगा, इसलिए कि शरीयत का ये कानून है कि एक दफ़ा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक मस्जिद ही करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। उसको काफिरों और जालिमों के कब्ज़े से आज़ाद कराना, उसकी बाज़ियाबी की कोशिश करना, उसकी तामीर नो करना और उसे अपने सस्तों से सजाना और आबाद करना, हम मुसलमानों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। ये आज़ादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मसाजिद की बाज़ियाबी और उसकी तामीर नो का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर इबादत गाहों और इदारों के तहफ्फुज़ और बखा का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मसाजिद के तहफ्फुज़ का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर जिंदा नहीं रह सकेंगे, इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ्फुज़ नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की ताज़ीम नहीं कर सकती, उस कौम को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं मिलता। मैं यहाँ खुसूसन मुस्लिम नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि आप बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए। आप बाबरी मस्जिद की बाज़ियाबी की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए। अपने साबिका बुजदिली, गफलत, लापरवाही और कोताहियों से बाज आ जाइए।
आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए कमर कस लीजिए और आप इस बात का आज़म कर लीजिए कि हम बाबरी मस्जिद को ज़रूर उसके असल मुकाम पर तामीर करके रहेंगे। इसी के साथ मैं आम मुसलमानों से भी ये अपील करती हूँ कि कल 6 दिसंबर को आप योम सियाह के तौर पर मनाएं, आप अपने इदारे कारोबार और दुकानें बंद रखें, अब आप अपने घरों महलों और चौराहों पर सियाह झंडियाँ लहराएं, अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांधें, अपने गम और गुस्से का इस तरह इजहार कीजिए और अपने इस अज़्म का भी इजहार कीजिए, ऐलान कीजिए कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा अपने असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुव्वत दे, ताकत दे, हिम्मत दे कि हम सारी वीरान शुदा मस्जिदों को आबाद कर सकें, शहीद मसाजिद का तहफ्फुज कर सकें, उसको बाजियाब करा सकें और उसकी तामीर नो कर सकें और अपने दीगर इबादत गाहों काशी और मथुरा की मसाजिदों और उन 3000 मसाजिद का तहफ्फुज कर सकें जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। आमीन ममा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم واعد المسجد الاقصى الى بلاد المسلمين اللهم واعد المسجد البابري الى بلاد المسلمين اللهم واعد المسجد البابري اللهم واعد المسجد البابري اللهم اهلك خادم البابري اللهم اهلك خادم البابري اللهم اهلك بودي اللهم اهلك بودي اللهم شتت شملهم اللهم اهلك اللهم أهلك يوغي اللهم شتت شملهم اللهم أهلك زمان الحنون اللهم أهلك زمان الحنون اللهم أهلك اللهم أهلك اللهم اللهم عليك بالهنود اللهم عليك عليك الحنود اللهم عليك الحنود اللهم أهلك زمان الحنود اللهم أهلك مودي اللهم أهلك خادم البابري اللهم قرر عيوننا بزيارة المسجد البابري اللهم قرر عيوننا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتي اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتي وقلة هيبتي اللهم قوينا لكي نعمر المسجد البابري اللهم قوينا لكي نعمر المسجد البابري اللهم تقبل اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا من أجاب نوحا حين نادى اللهم يا من أجاب نوحا حين نادى فاستجب لنا فاستجب لنا يا ربنا اللهم قبلنا لكي نعمر المسجد البابري اللهم ارزقنا فيه ثلاثا قبل الممات اللهم ارزقنا فيه ثلاثا قبل الممات اللهم تقبل شهدانا اللهم تقبل ذرياتنا في سبيل البابري اللهم تقبل ذرياتنا في سبيل البابري اللهم قرر عيوننا بهزيمة الحنود اللهم قرر عيوننا بهزيمة الحنود اللهم قلصه من الأوثان والأقسام اللهم قلصه من الأوثان والأقسام اللهم قلصه بالحنود اللهم أخرجه من أذلة ساغرين اللهم أخرجه منه أذلة ساغرين اللهم قرر عيوننا به زيارة المسجد الأقصى اللهم قرر عيوننا بزيارة المسجد الأقصى اللهم واعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين اللهم واعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين اللهم قلصه من اليهود الغاصبين اللهم قلصه من اليهود الغاصبين اللهم بسمينا صلاح الدين أيوبي اللهم بسمينا صلاح الدين أيوبي اللهم بسمينا صلاح الدين أيوبي اللهم بسمينا محمود غزنوي اللهم بسمينا محمود غزنوي ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اقم لنا الجهاد في الحل اللهم اقم لنا الجهاد في الحل اللهم اقم لنا الجهاد في الحل Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries. Modern plus Islamic education.
5-step activity based and play way method. Launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat. No heavy bags. Locker for every student. Personality development through life skills. Physical fitness and sports. Transport facility available. Hyderabad International School. Branches at Mogalpura, Khilwat and Chadarghat.